जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के अधिकांश शहर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। हालांकि इनमें से कई शहरों में बीते 5 साल में बेहतर प्रयासों के चलते प्रदूषण की स्थिति में काफी सुधार भी आया है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद और गोरखपुर एम्स के संयुक्त अध्ययन में झांसी और बरेली में हवा साफ है, जबकि गोरखपुर में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक 200 पार है। पश्चिमी यूपी के शहरों में प्रदूषण की स्थिति ज्यादा खराब है। इनमें गाजियाबाद, नोएडा, गजरौला, खुर्जा और मुरादाबाद जैसे शहर शामिल है। शोधकर्ताओं ने साल 2017 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में वायु गुणवत्ता के स्तर की समीक्षा की है। इस अध्ययन में अमेरिका के ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इंक्यूबेटर के शोधकर्ताओं ने सहयोग किया है। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया मेडिकल जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश गंभीर प्रदूषण का स्तर का सामना कर रहा है, जिसके लिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत देश में प्रदूषण से जूझ रहे राज्यों के लिए साल 2026 तक इसमें 40% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में इसकी स्थिति जानने के लिए 15 शहरों पर यह अध्ययन किया गया था। अध्ययन के अनुसार साल 2023 में झांसी में सबसे कम वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 72.73 रहा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के लिहाज से मध्यम श्रेणी में है। गोरखपुर में AQI का स्तर लगातार खराब दिखा। यहां 2019 में AQI 249.31 पहुंचा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा और मुरादाबाद जैसे शहरों में भी प्रदूषण का काफी बोझ मिला है। पूर्वानुमानों के अनुसार 5 साल में बरेली की हवा में प्रदूषणकारी तत्व PM10 के स्तर में 70% से अधिक की कमी आई है, जबकि रायबरेली में 58, मुरादाबाद में 55, गाजियाबाद में 48, आगरा में 41 और वाराणसी में 40% की कमी आई है। गोरखपुर और प्रयागराज ने PM10 के स्तर में क्रमशः 50 और 32% की वृद्धि की भविष्यवाणी की। शोधकर्ताओं का मानना है कि सरकार और प्रशासन मिलकर भविष्य में इन शहरों में NCAP के लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने प्रदेश के 15 शहरों को अध्ययन के लिए चुना, जिनमें आगरा, प्रयागराज, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, खुर्जा, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली और वाराणसी शामिल हैं। जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता सुधरी है, उन्होंने क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें अतिरिक्त सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली की स्थापना और स्वच्छ वायु ऐप शामिल है। इन शहरों ने कठोर सड़क धूल प्रबंधन रणनीतियों, कठोर वाहन उत्सर्जन जांच और मजबूत औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण को भी लागू किया है। गोरखपुर और प्रयागराज में अधूरे बुनियादी ढांचे के उन्नयन और प्रदूषण नियंत्रण नियमों के कम कठोरता से पालन न करने के कारण हवा में सुधार की प्रगति धीमी रही। गोरखपुर में तेजी से औद्योगीकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या और अनुचित अपशिष्ट निपटान के अलावा बायोमास को खुले में चलाने से खास तौर पर मानसून के बाद प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है। प्रयागराज में कुंभ मेले के आसपास के महीनों के दौरान निर्माण गतिविधियों में वृद्धि, यातायात में वृद्धि और धूल ने PM10 का स्तर बढ़ाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।